हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस ऑनलाइन क्लासेस। टुडे आवर टॉपिक इज वर्ल्ड मैप। बेटा, आप लोगों को 4 मार्क्स का वर्ल्ड का मैप आएगा, जिसमें आपको आइडेंटिफाई करनी है, लोकेट करना है कि भाई किस कौन सी जो कंट्री है कहाँ है, कैसे है। ठीक, कुछ सिलेक्टेड हैं यहाँ, ये नहीं कि भाई आपको मतलब सारा पूरे वर्ल्ड का ही मैं आपको बताऊँगा। इसमें हम कुछ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के जो फेमस कंट्री हैं, जिनका आपके सिलेबस से कोई ना कोई लिंक है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है आपको उसी कंट्री को आइडेंटिफाई भी करना चाहिए और उसको लोकेट करना भी आना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बेटा ये बेटा वर्ल्ड का मैप, इसमें ना 7 कॉन्टिनेंट है। अकॉर्डिंग टू लार्ज एरिया सबसे पहले है बेटा एशिया, ये है एशिया, ठीक है, और उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है बेटा वो है अफ्रीका, ये अफ्रीका, ठीक है, और थर्ड है नॉर्थ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये है बेटा यूरोप, और इसके बाद ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, और यहां पर नीचे है बेटा अंटार्कटिका। ठीक है, ये 7 कॉन्टिनेंट है, 5 ओशियंस हैं। जैसे सबसे जो डीपेस्ट ओशियंस है बेटा वो है पैसिफिक ओशियंस, ये इधर और इधर, ठीक है, ये इंडियन ओशियन है, और ये है बेटा अटलांटिक ओशियन, ठीक है, इसको अंध महासागर भी बोलते हैं। उसके बाद बेटा नीचे ये है अंटार्कटिका और यह है आर्कटिक ओशियन, ठीक है, ये 5 ओशियंस हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट कंट्री। तो सबसे पहले बेटा एशिया है, तो एशिया में ये जो आपको नजर आ रहा है ये सारे का सारा है बेटा रशिया, ठीक है, उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है चाइना, जिसमें आजकल अपना इसको बाउंड्री को लेकर डिस्प्यूट भी चल रहा है, ठीक, तो ये है बेटा चाइना, ये रशिया और चाइना के जो ये बिटवीन ये जो जगह आपको नजर आ रही है ये है बेटा मंगोलिया। बाकी इसकी जो नेबर कंट्री है चाइना की, उसमें बेटा देखो आप थोड़ा ध्यान से देखोगे इसको तो ये आपको नॉर्थ कोरिया और ये साउथ कोरिया, इधर ये नीचे साउथ कोरिया है, ये है नॉर्थ कोरिया, तो ये है बेटा अपना नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया, ठीक है। आप अपने बुक ओपन करके रख लेना, मैप ले लेना, वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप रख लेना बेटा, तो आपको अच्छे से विजिबल होगा, आपको ध्यान हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बेटा फिर ये इधर ये है जापान, ठीक है, और उसके बाद बेटा फिर अगर हम इसके वेस्टर्न साइड चलेंगे तो ये अपना इंडिया है, ये इसकी नेबर कंट्री है बेटा पाकिस्तान, जैसा आप सभी को पता ही होगा, ये है बेटा आपका अफगानिस्तान, ठीक, उसके बाद ये नेपाल, ये भूटान, और उसके बाद सबसे जो लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं बेटा वो है बांग्लादेश, ठीक, ये अपना म्यांमार, ये आपका वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक। लेकिन आपने जो मैंने ये नाम बताए ना ये सारे नहीं याद रखने हैं आपको, अब नोट कर लेना, अपना पेपर पेन निकाल लो, जो जो आपने नोट करने हैं जो आपको पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, उसमें सबसे पहले नोट करो बेटा रशिया, नंबर 2 पे करो चाइना, नंबर 3 पे करो बेटा मंगोलिया, ठीक है, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद है बेटा फिर आपका जापान, लास्ट लेसन है आपका हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर आप नोट करो ये आपका म्यांमार, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है। अब जैसे मैंने जितने में से बताए थे ना सिर्फ आपको ये शो करने आने चाहिए, ठीक। उसके बाद बेटा फिर हम आ जाते हैं वेस्टर्न एशिया में,
जो वेस्टर्न एशिया है उसमें बेटा सबसे बड़ा है देश यूएई, ठीक। और उसके बाद बेटा देखो यहां अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे, जूम करके देखोगे अपने मैप में देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा इराक और ईरान, ठीक। उसके बाद बेटा ये कैस्पियन सी है और ये है ब्लैक सी, ब्लैक सी ये है कैस्पियन सी। ब्लैक सी के ठीक नीचे ये है बेटा टर्की, ठीक। तो ये एशिया की मेन कंट्री होगी। इनमें से जो आपको नोट करनी है उसमें आपको इराक, ईरान, टर्की, बस ये तीन ही नाम याद रखने हैं, ठीक है। तो टोटल एशिया में ये इतने हो गए आपको। अब चलते हैं बेटा हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे जो फेमस है आपको याद रखना है उसमें बेटा इजिप्ट, ये इजिप्ट जिसको आप मिस्र भी कह सकते हो। उसके बाद बेटा ठीक इसके साउथ में ही है सुडान, ठीक है ना। जो नाइल रिवर है, नाइल रिवर लॉन्गेस्ट रिवर काउंट करते हैं वर्ल्ड की, वो सबसे इसी एरिया से पास होती है ऐसे, ठीक। उसके बाद है बेटा ये सोमालिया है, उसके बाद बेटा ये मेडागास्कर है जो वास्को डी गामा का रूट था अटलांटिक ओशियन होते हुए, तो उसका एक यहां पर पॉइंट था कुछ देर वो यहां रुका था, ये मेडागास्कर। उसके बाद बेटा साउथ में है ये आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो यहां इधर है इस्लामिक कंट्री ये जिसका नाम है मोरक्को, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है जिसका नाम है सहारा डेजर्ट, ये इस एरिया में है, अल्बानिया वगैरह यहां इस एरिया, ठीक है, यहां है सहारा। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको फेमस जो है बेटा चार नाम याद रखने हैं, इजिप्ट, सूडान, सोमालिया, साउथ अफ्रीका और मोरक्को, ठीक है। अब चलते हैं बेटा हम नॉर्थ अमेरिका में, इसमें फेमस तीन ही है, ये कनाडा है बेटा, ये यूएसए है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और ये है मेक्सिको, ठीक है, ये मेक्सिको है। वास्को डी गामा ने बेटा सी रूट को डिस्कवर किया था इंडिया को, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर है अपना ये साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में बेटा सबसे ये जो बड़ा देश आपको नजर आ रहा है ये है ब्राजील, ठीक है, ये इधर है बेटा चिले, ये चिले। तो ये इसमें आप दो ही नाम याद रखने हैं, चिले ब्राजील, इसमें आपके तीन नाम हो गए, ये हो गया आपका मेक्सिको, यूएसए और कनाडा, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर ये है अपना यूरोप, तो यूरोप में जो है काफी छोटे 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 देश हैं, लाइक जैसे हरियाणा है, पंजाब है, यूपी भी काफी देशों से बड़ा देखा है अपना स्टेट है, तो उसमें थोड़ा सा इधर से हम एक लाइन ले लेते हैं बेटा, जिससे बोर्डिंग जो है हम ऐसे आगे असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है बेटा पुर्तगाल का, पुर्तगाल के बाद फिर नेक्स्ट है आपका स्पेन, स्पेन के बाद बेटा फिर ये है फ्रांस, और फ्रांस के साथ बाउंड्री शेयर करता है फिर जर्मनी, ठीक है। तो ये नाम हो गया आपको पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक। उसके बाद फेमस जो बेटा ये है आपका यूके, ब्रिटेन, ठीक है, जो स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड से मिलकर बना है, ठीक है। ये इसके साइड में जो बेटा ये है आयरलैंड, आयरलैंड का जो नॉर्थर्न पार्ट है वो भी यूके में ही काउंट होता है। उसके बाद बेटा फिर ये रशिया से अलग हुए स्टेट है जिसमें आपका आ गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड है, ठीक है। इसमें फिर नीचे की तरफ जो साउथ की तरफ आ गया ये मेडिटेरियन सी है बेटा इस साइड यहाँ, तो मेडिटेरियन सी में है ये है इटली, ये डोगी की तरह आपको नजर आएगा, ठीक है, तो ये है इटली, ठीक। तो इसके बाद बेटा फिर अपना आ गया यहाँ इधर ऑस्ट्रेलिया, ये है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है बेटा। इस तरह से आपको ये कंट्री एक बार मैं फिर रिमाइंड करवा देता हूँ कि जो से आपने नोट करनी है, एशिया में मैंने आपको बताई भी थी, जैसे रशिया है, मंगोलिया है, चाइना है, इंडिया है,
नॉर्थ और साउथ कोरिया है, जापान है, ठीक है, म्यांमार है। उसके बाद मैंने अफ्रीका में बताया बेटा आपको इजिप्ट है, सूडान है, सोमालिया है, मेडागास्कर और आपका ये साउथ अफ्रीका और मोरक्को। और इसमें बेटा मैंने आपको बताया कनाडा और यूएसए, मैक्सिको। इसमें मैंने आपको दो ही देश बताए बेटा, एक ये ब्राजील है और एक ये चिले है। वैसे इसको लैटिन अमेरिकन कंट्री बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ यूरोप में है, जिसमें आपका आ गया पुर्तगाल, स्पेन, ये नोट करते रहे ना बेटा, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ठीक है। इसमें कुछ एशियन कंट्रीज शायद रह गए हैं जो मैंने आपको नहीं बताई, अब दोबारा से बता दूं। इसमें बेटा आपको यूएई, ईरान और ईरान, ठीक है। उसके बाद बेटा फिर आपका आ जाएंगे इधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है बेटा। इस तरह से आप अपने मैप जो फिर बार बार प्रैक्टिस करते रहना घर में, जैसे आप लोग अंताक्षरी वगैरह खेलते हो तो आपस में बच्चे जो है मैप में पॉलिटिकल जो मैप लो आप उसमें, तो उसमें कंट्रियों को ढूंढने का एक अच्छा गेम हो सकता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।